मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वाईफाई भी लगा हुआ है और आरओ का पानी मिलता है पीने के लिए और वाटर कूलर भी है यहाँ पे। और इस पीजी में दो किचन है जिसमें हम जो एक्स्ट्रा चीज खाना चाहें तो हम बना के खा सकते हैं। तो ये सारे सुविधाएं इस पीजी में उपलब्ध है। नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू द स्टूडेंट सेवियर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं मुखर्जी नगर का एक बॉयज पीजी में हूँ। तो इस पीजी में मेरे बहुत सारे दोस्तों ने यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, तो उन्हीं के एक दोस्तों के रूम में अभी मैं बैठा हूँ। तो इन भैया से हम जानेंगे कि उनका क्या टाइम टेबल होता है पढ़ने का और क्या स्ट्रेटेजी रहता है, रूम कैसे मेंटेन करते हैं और वो कोचिंग लिया है कि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। इन तमाम सारे बातों के ऊपर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए और वीडियो का एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए द स्टूडेंट सेवियर यूट्यूब चैनल को। तो भैया, सबसे पहले तो आपको स्वागत है हमारे द स्टूडेंट सेवियर यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू। तो भैया, आप पहले आपका नाम बता दो और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। मेरा नाम संदीप दुबे है, मैं बिहार के भोपाल में जिले से हूँ। तो आप दिल्ली के मुखर्जी नगर में कितने दिनों से रह रहे हैं। मुझे यहाँ रहते हुए करीब 2 महीने हो चुके हैं। तो इस 2 महीने में आपका दिल्ली के मुखर्जी नगर का क्या एक्सपीरियंस रहा, पौधे में मुखर्जी नगर में स्टडी का माहौल है या नहीं। जैसा कि मैं जब घर पे था उस समय मैं मुखर्जी नगर के बारे में सुना और यूट्यूब के माध्यम से देखा। तो मैं जब यहाँ पे आया मुखर्जी नगर में तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि हाँ, मुखर्जी नगर सच में एक ऐसा प्लेस है जहाँ केवल पढ़ाई का माहौल है। यहाँ के हर बच्चे के अंदर एक कंपटीशन का जज्बा है और वे सारे बच्चे एक दूसरे को बीट करने में लगे हुए हैं। और ये ओवरऑल मेरे हिसाब से तो पढ़ाई का ही सारा एरिया है। तो आपके हिसाब से मुखर्जी नगर में पढ़ाई करने के लिए सही माहौल है। हाँ, पढ़ाई के लिए सही माहौल है। तो आप अभी कोचिंग ज्वाइन किए हो या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हो। फिलहाल तो मैंने अभी कोई कोचिंग नहीं ले रखा है, आगे देखूंगा कोचिंग का। तो अभी कोचिंग ऑफलाइन कोचिंग खुले है या नहीं। ऑफलाइन कोचिंग मतलब बहुत सारी खुल चुकी है।